अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डॉट कॉम। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में एमसीक्यूज डाल चुके थे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, कुछ एमसीक्यूज बाकी थे, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो की तरह उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके थे, आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज नंबर 9। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पावर, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास क्या कहलाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास कहलाता है पावर। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की ऐसा यूनिट हमारे पास पास्कल है। सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारे पास, व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म अ सेट ऑफ 7 कलर इज ऑब्टेन, दिस सेट ऑफ कलर इज कॉल्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें जो सेट ऑफ कलर मिलता है वो हमारे पास स्पेक्ट्रम कहलाता है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस 9 सेकेंड इज कॉल्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट एक्सपोनेंट माइनस 9 हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट माइनस 9 हमारे पास कहलाता है जहाँ पर 9 आए तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हम ये समझ जाते हैं कि नैनो की बात हो रही है, तो एक्सपोनेंट माइनस 9 सेकेंड का मतलब है नैनो सेकेंड। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारे पास, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वाटर, सॉलिड, गैस और वैक्यूम। तो स्टूडेंट साउंड वेव हमारे पास ट्रेवल नहीं कर सकती हैं थ्रू वैक्यूम, सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 14 है स्टूडेंट हमारे पास, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमिनिश इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो जो इमेज वर्चुअल भी हो इरेक्ट भी हो वो हमेशा हमें कॉन्वेक्स मिरर से मिलती है, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारे पास, इफ़ क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन द मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर इज। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ होता है, एम इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय 2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 16 है हमारे पास, इमेज फॉर्म बाय आवर आई लेंस ऑन रेटिना इज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो इमेज हमारे रेटिना पर जाकर बनती है वो क्या होती है, रियल होती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 17 है हमारे पास, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर इन एसआई यूनिट इज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की हमारे पास एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, सो हेयर ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 18 है हमारे पास, द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटर, इंसुलेटर, रेजिस्टेंस और डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो कि क्या है, डाइइलेक्ट्रिक। एमसीक्यूज नंबर 19 है हमारे पास, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जहाँ पर मैग्नेट होता है वहाँ पर उसकी सराउंडिंग में जो फील्ड जनरेट हो रही होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है हमारे पास मैग्नेट के विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 20 हमारे पास, वर्क इज़ नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90, 180, 0 और 45। वर्क नेगेटिव होता है जब एंगल हमारे पास 180 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 21 पर है हमारे पास, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ करंट इज कैरिड बाय। तो स्टूडेंट्स पी टाइप में सेमीकंडक्टर में हमारे पास मोस्टली करंट जो है वो कैरिड आउट होता है थ्रू होल्स, सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन।
एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास, दिस रिएक्शन इज यूज इन हाइड्रोजन बॉम्ब, केमिकल, फिजिकल और फ्यूजन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स जो रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज होता है वो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होता है। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अख्ताम को पहुंची है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।